हेलो फ्रेंड एवरीवन जी, मैं जीएस पॉइंट जो है आज रक्षा से संबंधित रिलेटेड चीज़ें जो है हम आज आपको बताएंगे। ये रक्षा प्रौद्योगिकी है। अब देखते हैं, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग है। कौन सा है? भारत जो है टैंकी प्रतिरोधी मिसाइल जो है नाग कहा जाता है। सही सुमित कीजिए, पृथ्वी पर सतह से सतह तक प्रक्षेपित किए प्रक्षेपा शास्त्र है। त्रिशूला सतह पर वायु से वायु तक जो है पर छः पात्र शास्त्र है। पिनाका बहुनली रॉकेट प्रणाली है। निशांत युद्ध क्षेत्र निरीक्षण हेतु दूरस्थ चलित यान है नाग है। पर्त टैंक प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि आकाश पिनाक तथा नाग में मिसाइल नहीं है। सुमिलित कीजिए, वह पिनाक है। सुमिलित कीजिए, त्रिशूला लघु परश सतह वायु प्रक्षेप शास्त्र है। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपा शस्त्र है। अग्नि है माध्यमिक प्रास प्रक्षेपिक निकाय है। नाग है टैंक रोधी प्रक्षेपा पास्त्र है। अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह आकाश से आकाश मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आकाश से आकाश में मार करने वाले एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये स्वदेशी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर 20 मई 2011 में किया गया था। और यह 90 किलोमीटर दूरी तक शत्रु का विमान गिराने का सक्षम है। तो इसका आंसर डी सही है। ये 90 किलोमीटर तक दूरी तक शस्त्र का विमान गिराने के सक्षम है। प्रक्षेपास्त्र का अर्थ होता है एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र। DRDO द्वारा जो मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, कहाँ है? त्रिशूला में है। कम दूरी में प्रक्षेपास्त्र त्रिशूला, जिसका चांदीपुर पर परीक्षण किया गया था, एक है। परध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र नाग है। अग्नि नाम से जुड़ा है। भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइलें हैं। इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना तेज आक्रमण यान है। तो उसका जो है सम्मिलित कीजिए, कोई विषाणु पर्यावरण या प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। अरहिंत कोई विषाणु या पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता अरहिंत सॉरी कोई पर्यावरण या प्रदूषण जो है कम नहीं कर सकता है। और टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। ब्रह्मोस एक सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है। कथन जो इसका बी है, जो है कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था सफल परीक्षण किया गया था। ये सही है। G-130G सुपर हरिकुलस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है। विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्ट वायुवान है। यह वायुवान बनाते संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। पृथ्वी सिकंड से लेस होने पर IAF विश्व की एकमात्र वायुसेना है, जिसकी कमान जमीन से जमीन पर मार गिराने वाले प्रक्षेपी प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। AB कहता है सुखोई 30M के आई जेट लड़ाकू हवा से हवा से जमीन पर मार करने वाली सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं। सी कहता है त्रिशूल जमीन से हवा मार करने वाले प्रवधानिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, जिसका परास 30 किलोमीटर है। स्वदेशी निर्मित INS प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल परीक्षण कर सकता है। इसका कथन सी है। त्रिशूला जमीन से हवा में मार करने वाला प्रध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है मिसाइल है। इसका जो है परास जो है 30 किलोमीटर है। निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए। नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी सिकंड मिसाइल का प्रयोग सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया है। सिकंड है पृथ्वी के एक थल से दूसरे थल से थल मिसाइल हवा में महानगरों हवाई हमलों संरक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। केवल एक सही है। 1 नवंबर 2006 को DRDO पृथ्वी सिकंड मिसाइल का प्रयोग सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया गया है। भारत वायुसेना का विमान जो हवा से हवा पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है यूलुसिन IL-78
से सुमिलित कीजिए, अरहिंत पनडुब्बी है, जो अरहिंत है परमाणु पनडुब्बी है, ऑक्स इसराइल विकसित का फाल्कन वायुसेना है, एटलस सेंटर है, अमेरिका निम्नतापिक रॉकेट है, भारत नौसेना के नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है आरएनएस चक्र है, भारत नौसेना की पनडुब्बी है आईएनएस सिंधु रक्षक है, अग्नि प्रक्षेपास्त्र जिसकी जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था उसकी मारक क्षमता है 7000 किलोमीटर से अधिक है किंतु 2000 किलोमीटर से कम है, 100 देशी निर्मित मिसाइल जिसकी मार की क्षमता 700 किलोमीटर है का भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था, इसका नाम है अग्नि धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत सरकार मार्च 2010 में किया गया था, मार की क्षमता है 350 किलोमीटर, भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मार क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है नाम दिया गया है अग्नि सिकंड, हंस सिकंड का नाम है एक प्रशिक्षण यान का, सम्मिलित कीजिए अर्जुन जो है स्वदेशी निर्मित प्रमुख युद्ध टैंक है, सारस स्वदेशी निर्मित नागरिक यात्री वायुवान है, ऑपरेशन सीबर्ट कारवारा भारतीय नौसेना का एक नया अड्डा है, फाल्कन इसराइल द्वारा निर्मित हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली है, सही सम्मिलित है, भारत फाल्कन राडार सिस्टम प्राप्त करेगा इसराइल से, भारत जो है फाल्कन राडार सिस्टम प्राप्त करेगा इसराइल से, भारत ने ब्राक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदा है इसराइल से, भारत ने ब्राक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित किया गया है इसराइल के सहयोग से, भारत नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है इसराइल के सहयोग से, आधुनिक टैंक है अर्जुन, स्वदेशी तकनीकी से तैयार किए गए प्रथम T-19 युद्ध टैंक को नाम दिया गया है भीषम, 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो अग्नि ये सतह पर सतह मार करने वाले प्रक्षेप जिसका पास 2700 किलोमीटर है एक सही है, ये अंतरिक्ष में 8:45 बजे पर उड़ीसा के हुईल द्वीप से परिसर में छोड़ा गया था, ठीक एक तो सही है, अग्नि सिकंद प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर से, अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का प्रास लगभग 2000 किलोमीटर, अग्नि फोर्थ प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, तो ये धरातल से धरातल मार तक करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, अग्नि फाइव मिसाइल के विषय में सही कथन यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, अग्नि फाइव जो है पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, इंद्र क्या है वो रडार है, मई 2003 में बलसोर से सफलतापूर्वक प्रशिक्षित हवा से हवा मार्ग का प्रक्षेपास्त्र का नाम था अस्त्र, वो प्रक्षेपास्त्र जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारी ने 27 तारीख पहला मई 1996 को चांदीपुर में किया था पृथ्वी सिकंड, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने लड़ाकू वायुवान उड़ाया था वो था सुखोई 30 MKI, अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए रोक लगाया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर, भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्व स्वदेशी कार्यक्रम का निर्मित कहलाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम, शेर जिसका पत्रिस अनुसंधान विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया था, एक थल से थल मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, स्वर के संबंध में सही कथन यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है, भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शेर मिसाइल 8 मैक से गति से उड़ती है, शेर मिसाइल का प्रास 1600 किलोमीटर से अधिक है, उपयुक्त कथनों में से सही कथन न तो ए है न तो दो है, देशज तकनीकी विकसित तेजस से एक हल्का लड़ाकू विमान है, देशज तकनीकी से विकसित तेजस से एक हल्का लड़ाकू विमान है, भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग हवाई जहाज तेजस है, एडमिरल ग्रोसोकोवा नौसैनिक विमान वाहक जहाज है, मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाला एक जलयान तट रक्षक दल में सम्मिलित किया गया, इसका नाम है विश्वस्त है, INS शक्त भारतीय नौसेना एक तेलवाहक पोत है, INS अस्त्र धरणी का जिसका हाल में समाचार पत्रों को उल्लेख किया, टारपेडो परमोच और पुनः प्राप्ति रिकवरी जलयान से है,
ब्रह्मास ब्रह्मस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल भारत का निर्माण हुआ तो किससे हुआ था, भारत और रूस द्वारा। आधुनिक ब्रह्मोस परध्वनिक मिसाइल जिससे प्रौद्योगिकी भारत में संयुक्त रूप से विकसित हुआ रूस के साथ। ब्रह्मोस एक प्रक्षेपास्त्र है, ब्रह्मोस का संबंध सही कथन है, इसकी फ्लाइट पास संख्या 400 किलोमीटर है। मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया था पोखरण से। 2009 में कहाँ प्रक्षेपण किया था, पोखरण से। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है लक्ष्य। तकनीकी युक्त क्षेत्र में नेत्र इन नेत्रा कहते हैं, इसके बारे में कथन है ये मानव रहित वायुयान है जिसे 300 किलोमीटर तो उड़ सकती है। ये लड़ाकू विमान जिसे यूएसए एयर स्पेस कंपनी ने बनाया है। ऑपरेशन शक्ति 98 का नाम क्या है, ऑपरेशन शक्ति 98 का नाम क्या, पोखरण वर्ष में 1998 हुए परमाणु अभियान से है। सिलीनेक्स सेकंड क्या, भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त सेना अभ्यास से है। न्यू स्टार्टअप ट्रेटी है संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी संघ नाभिकीय तंत्र से और प्रमुख कटौती द्वितीय संधि से। ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका जाफना आईफी ऑपरेशन से। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, मशीन गन का आविष्कार किया था जेम्स पाकल द्वारा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था गैलीलियो ने और दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया था सूक्ष्म पास के वस्तु देखने के लिए। विश्व की विशालतम दूरबीन है आईसी क्यूब है। टाइपराइटर का खोज किया कौन कहते हैं, सोल्स रेडियो मार्कोनी, सेफ्टी लेम डेबी, विलहेलम रैट। इंजन आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का, विलहेल्टम रैट इंजन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। अपने बेटे के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था विलियम हेनरी पेग्रा। आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, जॉन गुटेनबर्ग जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। माइकल फेराड डायनोमो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने। गैस इंजन की खोज डेमलन ने। फाउंटेन पेन आविष्कार किए थे वाटरमैन। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन। अल्फा ब्रेड नोबल का आविष्कार किया था डायनामाइट। जे एल बेट का नाम जुड़ा हुआ है टेलीविजन आविष्कार से। लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मेमन। पेनिसिलिन का आविष्कार थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज है पेनिसिलिन से है। सम्मिलित कीजिए रेडियम मेडम क्यूरी ने खोज किया था। चेचक एडवर्ड जेनर ने खोज किया था। अल्फा फ्रेड नोबेल डायनामाइट ने खोजा। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत ब्लैक होल के सिद्धांत तो है एस चंद्रशेखर ने खोज की थी। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था नक्षत्र भौतिकी के लिए। वो वैज्ञानिक जिसने ये सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे हाइड्रोडॉर्फस बन जाते हैं। एस चंद्रशेखर प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार करता है हार्ट्ज जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार करता है हार्ट्ज।